Good morning, students. Today we are going to do chapter number 5, comparison of adjectives. We already did chapter number 4, adjectives. Now we are going to do comparison of adjectives. We can compare two people, animals, places or things using adjectives. हम दो लोगों को, दो एनिमल्स को, दो प्लेसेस को, जगह को या दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ? एडजेक्टिव्स के साथ. फर्स्ट लेट्स सी द एग्जांपल्स. नितिन इज टॉल. नितिन लंबा है. टीना इज टॉलर देन नितिन. टीना नितिन से भी लंबी है. नितिन तो लंबा है. नितिन इज़ टॉल. टॉल इज एन एडजेक्टिव. टीना इज टॉलर देन नितिन. टीना नितिन से भी टॉलर है. नेक्स्ट एग्जांपल, अ ग्रास हॉपर इज स्मॉल. ग्रास हॉपर क्या है? छोटा. एन एंट इज स्मॉलर देन अ ग्रास हॉपर. एंट क्या होती है? ग्रास हॉपर से भी छोटी होती है. हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं बच्चे, ग्रास हॉपर और एंट को. ग्रास हॉपर इज स्मॉल एंड एंट इज स्मॉलर देन अ ग्रास हॉपर. नेक्स्ट एग्जांपल, द डॉग इज यंग. डॉग क्या है? यंग. द पप्पी इज यंगर. पप्पी क्या है? उससे भी यंगर. द डोनट इज स्वीट. डोनट क्या होता है? बहुत स्वीट. द केक इज स्वीटर. और केक और भी स्वीटर होता है. हमने दो दो चीज़ों को कंपेयर किया है कि कौन कैसा है, कौन लंबा है, कौन उससे भी लंबा है, ऐसे कौन स्वीट है, कौन सी चीज़ स्वीट है, कौन सी चीज़ उससे भी ज़्यादा स्वीटर है. ओके, वी यूज द ER. हम क्या लगाते हैं कंपेयर करने में? ER लगाते हैं फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव. ER फॉर्म लगाते हैं हम एडजेक्टिव की व्हेन वी कंपेयर टू पीपल और थिंग्स. जब भी हम दो लोग या दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, जैसे टॉल, टॉलर, वी पुट ER एट द एंड. स्मॉल, स्मॉलर. यंग, younger. Sweet, sweeter. Now look at these pictures, read the sentences. First one is, a mouse is a fast animal. Mouse क्या है? एक fast animal है, मतलब बहुत तेज तेज वो भागता है. A deer is faster than a mouse. अब हमने mouse और deer को compare किया है, तो डियर क्या हुआ? माउस से भी फास्टर. यस, द चीता इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. अब हमने चीता को किस किस के साथ कंपेयर किया? एक तो हमने उसके डियर के साथ कंपेयर किया, माउस के साथ कंपेयर किया, और हमने लिखा है, इन्होंने लिखा है, द चीता इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. ऑल एनिमल्स से चीता क्या है? फास्टेस्ट, फास्टेस्ट. We use the EST form of the adjective. हम अब EST form कब use करते हैं? To compare three or more. तीन या तीन से भी ज़्यादा people, animals, places or things. हम EST form तब लगाते हैं जब हम तीन से भी ज़्यादा चीज़ों को, animals को, जगह को या things को compare करते हैं. Okay?